प्रभात बच्चों, कल हम लोग ने पाठ हिंदी व्याकरण का पाठ 3 वर्ण पढ़ा था, ठीक है। चलिए आज उसका कुछ हम लोग एक्सरसाइज, जो उसका अभ्यास दिया हुआ है वो, और साथ में कुछ कॉपी पे काम करेंगे। पहले हम लोग कॉपी का काम सीख लें, उसके बाद फिर हम लोग दूसरा काम करेंगे, ठीक है। देखो, आप लोग क्या करेंगे, अपनी हिंदी व्याकरण की कॉपी पर पाठ 3 लिखेंगे ऊपर, है ना, पाठ 3 और वर्ण, ठीक। क्या लिखेंगे, पाठ 3 और ये वर्ण। वर्ण क्या है, पाठ का नाम है। पहला प्रश्न आप लिखेंगे, वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न क्या है, वर्ण किसे कहते हैं, तो उसका उत्तर है, मुख से निकलने वाली ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। मुख से निकलने वाली ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। एक बार फिर से देखेंगे, मुख मतलब मुंह, मुख से निकलने वाली ध्वनियों मतलब आवाज़ें, ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। मुख से निकलने वाली ध्वनियों को वर्ण कहते हैं, ठीक है। अगला देखो प्रश्न, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, ये प्रश्न लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, प्रश्न, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्तर क्या लिखेंगे, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। उत्तर क्या लिखेंगे, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर कितने होते हैं, 11, है ना, स्वर, और दूसरा व्यंजन कितने होते हैं, 33, मतलब 33। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। देखो फिर से मैं एक बार पढ़ रहा हूँ, ऊपर हमारा प्रश्न था, वर्ण किसे कहते हैं, तो उत्तर, मुख से निकलने वाली ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। प्रश्न फिर क्या था, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, उत्तर था, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अगर मान लो आप जैसे जल्दी जल्दी नहीं लिख पाते हो, है ना, छोटे हो ना, लेकिन लिखने की कोशिश करोगे तो जल्दी जल्दी लिख पाओगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको मम्मी को या भैया को, दीदी को, पापा को, किसी को भी बोलना कि इसको आपको ये रफ कॉपी पर लिख के दे देंगे, ठीक। आप उस रफ कॉपी को देखते हुए अपनी कॉपी पर सुंदर सुंदर राइटिंग में अपने छोटे छोटे हाथों से लिखेंगे, है ना। जब तक बेटा आप खुद से नहीं लिखोगे, तब तक ना तो आपकी राइटिंग सुंदर बनेगी, ना आपके हाथ में आपकी तेजी आएगी, स्पीड आएगी, है ना। लिखने से, प्रैक्टिस करने से ही स्पीड आती है ना। तो फिर पता है क्या होगा, जब आप स्पीडली लिखने लोगोगे तो जैसे जैसे मैं बोलूँगा वैसे वैसे आप लिख भी लोगे, क्योंकि प्रैक्टिस भी रहेगी आपकी, है ना। तो अपनी हैंड राइटिंग में फेयर कॉपी पे किसी से नहीं लिखवाना, या आप अपने आप से प्रॉमिस करो कि मैं अपना काम खुद करूँगा, है ना, ठीक। फिर से मैं देखो बोल रहा हूँ, वर्ण किसे कहते हैं, मुख से निकलने वाली ध्वनियों को वर्ण कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ये तो था हमारा कॉपी का काम, ठीक। चलिए अब हम लोग बुक ओपन कर लेंगे अपनी, ठीक है। बुक, ये हमारी बुक है, ठीक है। बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 12 पे आ जाएंगे, ये अभ्यास, ठीक। पेंसिल ले लेंगे अपने हाथ में, ठीक है बेटा, और जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे टिक लगाएंगे। हिंदी में स्वर कितने होते हैं, ये तो आप सबको पता है, 11, है ना, ठीक। चलो 11 पे आप टिक लगा दीजिए, ओके। हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं, 33, 34, 35, मतलब 33, 34 या 35, 33 यहाँ पर टिक लगा लेंगे। इनमें से कौन सा वर्ण स्वर नहीं है, देखो ऊ, छोटा ऊ ये स्वर है, ओ ये भी स्वर है, क ये स्वर नहीं है, ये व्यंजन है ना। देखो भालू शब्द में कितनी ध्वनियाँ हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 है, 4 है। देखो कैसे, भ, भ में एक स्वर, एक ये होगी ध्वनि, अ, अ आ की मात्रा है ना, भा हुआ ना, तो ये 2 ध्वनियाँ हो गई, ल और फिर उसमें ऊ की मात्रा, 4 ध्वनियाँ हैं, ठीक। 4 पे टिक लगा लेंगे। अब देखो ये बड़ा मज़ेदार गेम है,
जो ए है, ऊ है, वी है, आ है, ओ है, ये अपना घर भूल गए हैं, तो उनको घर बताना है। तो अ के बाद क्या आता है? आ से आम आता है ना, ठीक। छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटा ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन। फिर देखो यहाँ पर छोटा ऊ से उल्लू, बड़ा से ऊन, फिर री। री देखो, री। ए से एड़ी, ऐसे ऐनक, ओ से ओखली और ओ से औरत। ठीक, बना लिया आप लोगों ने। चलिए नेक्स्ट का, ये दिया हुआ एक पीच बग साइड में बॉक्स दिया हुआ है ना, और कहा है कि इनमें से छांट करके जो स्वर है उनके नीचे स्वर लिख दीजिए, जो व्यंजन है उनके नीचे वाले। पहला क, देखो क, क क्या है? व्यंजन है, तो हमने व्यंजन पे लिख दिया। आ से आम, ये क्या है? हमारा स्वर है। ग से गमला, ये हमारा व्यंजन है। फ से फल। छोटी से इमली, ये हमारा क्या है? स्वर है। ट से टमाटर, ये व्यंजन है। ए से एड़ी, ये हमारा क्या है? स्वर। च से चम्मच, व्यंजन। अ से अनार, स्वर। उ से उल्लू, स्वर। ज से जहाज, व्यंजन। बड़ा उ से ऊन, स्वर। ओ से ओखली, स्वर। प से पतंग, व्यंजन। हो गया? अब देखो ये बड़ा मज़ेदार गेम है, इसको तो आप कर सकते हो। स्वर वर्ण में हरा रंग भरेंगे और व्यंजन वर्ण में पीला रंग भरेंगे, ठीक है। पहला ब, ब क्या है? व्यंजन है कि स्वर है? व्यंजन है, तो व्यंजन में कौन सा रंग भरना है? पीला रंग, तो उसमें हम लोग पीला रंग भर देंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे करके ये इसको आप लोग सुंदर से भरेंगे। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, आप लोगों की तो ड्राइंग बहुत सुंदर है, आप लोग भरेंगे। ओके बेटा, हैं, शाबाश, मैं जानता हूँ आप लोगों की ड्राइंग बहुत अच्छी है। पीला रंग कर दिया। अब अ, अ से अनार, ये क्या है? स्वर है। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं, तो इसमें कौन सा रंग भरेंगे हम लोग? हरा रंग भरेंगे। तो देखो ऐसे भरेंगे, बाहर ना निकले हैं ना। ड्राइंग की ड्राइंग, पढ़ाई की पढ़ाई। वो देखते हो ना सीरियल खिचड़ी, उसमें प्रफुल्ल ऐसे बोलता है ना। देखो हो गया, ठीक। बाकी का आप खोज के भरेंगे, मैंने दो बता दिया है ना, आगे मुझे नहीं आता, आप लोग करेंगे। आप लोग तो बहुत होशियार हो, ठीक है, कंप्लीट कर लेंगे। ओके बेटा, आप देखो ये और मज़ेदार गेम है, ये तो आप लोग पेपर वगैरह में, कॉमिक वगैरह में खेलते हो, इसमें भी करना है। देखो क से ह तक ये मैंने खेल ली पहले ही, उससे पहले मैंने खेल के बनाई। देखो क से लेके ख तक की लाइन मिलानी है और बत्तख बन गई। देखो पहले क से ख, ग से घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, ये बन गया। अब इसको सुंदर सा कलर कर लेंगे, ये वाटर है, ये ब्लू कलर कर लेंगे, सुंदर सा है ना, बहुत प्यारा सा सुंदर सा बना लेंगे, ठीक। तो ये आपका जो हिंदी का व्याकरण का कार्य समाप्त हो गया, ये हमारा कोर्स, अब तक का कोर्स खत्म हो गया। 3 चैप्टर्स हमें व्याकरण के करने थे, जो हम लोगों ने पूरे कर लिए, ठीक है। अब आपका काम ये रहेगा कि अपनी कॉपी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक, और जब स्कूल खुलेगा तो सब अपनी कॉपी सबसे पहले चेक कराएंगे, ठीक है, सुंदर सुंदर राइटिंग में। कोई टीचर मेरे से शिकायत ना करे कि सर देखिए इसने काम नहीं किया या ये बच्चे का काम अधूरा है, ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि आप सभी बहुत अच्छे बच्चे हो, काम पूरा करके रखते हो, है ना, ठीक है। तो चलो फिर हम लोग मिलेंगे।
तब तक के लिए बाय।